सारे गाइज हेलो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम हिमाचल ट्रैवल सैंडी है और मैं हूँ लिफ्ट पे। ये सामने आप देख रहे हैं ये है लिफ्ट। आज का जो वीडियो है आपको बता दूँ वो बहुत ही खट्टा मीठा नमकीन और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है, सो साथ में बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो से चिपके रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कॉम्बल में होटल है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जब पार्किंग में यहाँ पहुँचते हैं तो आपको सबसे नज़दीक जो रास्ता है मॉल की तरफ कौन सा है, तो आज मैं आपको शॉर्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे से मॉल रोड लेके जाने वाला हूँ। तो लगभग 4 या 5 पार्किंग्स पीछे हैं जिसमें आराम से आपकी गाड़ी लग जाएगी, और वहाँ से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कैसे, तो मेरे साथ चलते हैं। हम रोड क्रॉस करेंगे, पार्किंग से आपको 1 मिनट लगेगा रोड पहुँचने में, 1 मिनट ठीक बाद आप रोड क्रॉस करेंगे सेफली तो आप पहुँचेंगे लिफ्ट की पार्किंग में, और यहाँ से 10 रुपये लगेंगे मात्र आपके, और 10 रुपये में आप ये सीधी लिफ्ट कनेक्ट करेगी आपको रिच। तो बहुत सारे लोगों को ये भी जानना था कि आजकल टूरिस्ट सीज़न कैसा चल रहा है, तो टूरिस्ट सीज़न धमाल पे शुरू हो गया शिमला में दोबारा। शिमला खुल चुका है, हिमाचल खुल चुका है। ये देखिए पार्किंग, आप पार्किंग की लाइंस और भीड़ से समझ सकते हैं, कभी खाली हुआ करती थी, अब लाइन लगना शुरू हो गई है। आइए तब तक आपको शिमला का शानदार नज़ारा दिखाते हैं। ये लिफ्ट है, ये पुरानी वाली लिफ्ट है, अब लिफ्ट 2 बन चुकी हैं, एक पुरानी लिफ्ट है और बिल्कुल साथ में नई लिफ्ट है। नई लिफ्ट में ज़्यादा लोग बैठ पाते हैं और पुरानी लिफ्ट जो 2 है उनमें 5-5 लोग एक बार में जा पाते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है ये हमारा लिफ्ट के पास का रोड है जो ओल्ड बस स्टैंड की तरफ और आगे चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ कनेक्ट करता है। ये हमारा ओवर क्राउडेड शिमला, वो क्राइस्ट चर्च, वो सामने जो आपको दिख रहा है, और ये कॉमरमेयर होटल जो कि आपको सबसे नज़दीक पड़ता है जब आप बिल्कुल पार्किंग में पहुँचते हैं। अगर आप एक अच्छा होटल लेना चाहते हैं, अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, तो ये होटल सही है। ये रही लिफ्ट, वो सामने वाली लिफ्ट जो है आपको दिख रही है वो नई, तो कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, और ये रही पुरानी वाली लिफ्ट। तो वीडियो में व्यू आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार है। ये सारा रोड जो है पूरे शिमला को इंटरकनेक्ट करता है। 2 बार आपको लिफ्ट चेंज करनी होगी, 1 बार और दूसरी बार, और ये पहुँच गए हैं हम वहाँ पर जहाँ से अब आपको सीधा सामने रिच और ये मॉल की तरफ रास्ता लेके जाएगा। अब फिलहाल मैं आगे तो नहीं गया, मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे गया हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ से भी कुछ फैंटास्टिक और स्पेक्टैकुलर व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। ये सामने जो है वो हाई कोर्ट है, और ये बिल्कुल लेफ्ट में जो धीरे धीरे आ रहा है वो है ओबेरॉय क्लार्क्स। अगर आपको बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही शानदार जगह पर रहना और अपनी ट्रैवल में आपको लग्जरी पसंद है, तो ये होटल आपके लिए बना है। तो इसके साथ ही है कॉस्मोस होटल, ये एक बजट होटल है, होटल ठीक है, बिल्कुल ही जो है मॉल रोड पे पड़ता है, तो आप यहाँ भी रह सकते हैं। इसके ठीक पीछे भी कुछ होटल्स हैं, अगर आप ठीक पीछे देखेंगे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं। मैं फ़िलहाल आज उनकी कवरेज आपको नहीं दे रहा हूँ, बस धीरे धीरे चलते हुए कुछ बातें करेंगे। तो और ये रहा शानदार व्यू, ये फैंटेस्टिक व्यू है जो आपको ओबेरॉय क्लार्क्स और उसके आसपास से दिखता है। मैं अभी धीरे धीरे उसी एरिया में पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं लिफ्ट के पास उतरा था, जहाँ मैं रुका था, अभी वहीं पहुँच रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड आया हूँ, वहाँ से आपको लेके जा रहा हूँ। ये है स्टनिंग व्यू। तो फिलहाल टूरिस्ट की हालात आप देख ही सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि टूरिस्ट इतना नहीं है जितना यूजली हुआ करता था इस टाइम कोरोना की वजह से, बट हाँ, अब टूरिस्ट आना शुरू हो चुका है। और दूसरा सवाल, बहुत सारे लोग पूछते हैं शिमला में बर्फ़ पड़ती कब है, तो मैं आपको बता दूँगी शिमला में बर्फ़ जो है वो मिड जैन में पड़ती है। तो समझ लीजिए कि आप जैन में मिड 10th के बाद बर्फ़ की उम्मीद लगाई जा सकती है शिमला से, और कुफरी बहुत पास है तो वहाँ भी। ये रहा एम्बेसी। अब सबसे पहले एम्बेसी में क्या है, एम्बेसी के केक्स जो कि एप्पल आलमंड केक है और चीज़ केक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। आप यहाँ रुकते हैं तो बिल्कुल जब भी आप मॉल रोड की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे पहला स्टॉप मिलेगा जहाँ पे सूप स्टेशन होममेड एगलेस बटर केक्स फूड कार्ट, और यहाँ पे एगलेस केक्स बनाए जाते हैं, शिमला फेमस चीज़ केक, 180 रुपीज़, इट्स डिलीशियस। यहाँ पे आपको दे ऑल्सो सर्व कश्मीरी चिकन बिरयानी, स्टेप इन फॉर पर्शियन लैम्ब बिरयानी। ओके, तो ये रहा एम्बेसी का आइसक्रीम पार्लर जहाँ पे आपको कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक, आइसक्रीम सोडाज, डेजर्ट्स और स्ट्रॉबेरी वेफर्स, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। छोटी सी फूड वॉक है आप लोगों के लिए, तो फूड वॉक करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ जहाँ पे फूड इज गुड और यू मस्ट ट्राई प्लेसेस हैं, उनमें से कुछ आपको दिखा रहा हूँ आज, सो स्टे ट्यून्ड।
वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये है कृष्णा बेकर्स जो फेमस है अपनी फास्ट फूड इस तरह के आइटम्स के लिए जहाँ पे आपको बंस पेस्ट्रीज पैटीज, पर ये फेमस है मेजरली अपने मोमोज स्प्रिंग रोल कुर्केस के लिए जो कि यहाँ डिलीशियस मिलते हैं, हाइजीनिक मिलते हैं। जो ओनर है यहाँ के इज़ वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो मैंने फिलहाल कुछ ऑर्डर किया है कमाल, दो चीज़ें जो मैं बहुत ही जल्दी आपको अभी दिखा सर। एक कुर्केस आपका 50 रुपये हो जाएंगे आपके, सॉरी 60 रुपये। सो गाइस ये कृष्णा बेकर है और कृष्णा बेकर की मोमोज आप देख रहे हैं। दिस प्लेस इज वेरी फेमस फॉर मोमोज। मोमोज आर वर्थ ट्राइंग, अच्छे एंड डिलीशियस हैं। बड़ी पतली पतली बाहर की स्टफिंग होती है ना, जो बाहर का पार्ट होता है वो पतला है, अंदर की स्टफिंग बड़ी अच्छी है, मेयोनीज अच्छा है। तो मस्ट ट्राई में से एक है मोमोज यहाँ के। और साथ में एक और चीज़ लाया हूँ जो कि बहुत डिलीशियस है, क्योंकि इसके बाद आपको चटनी खा के मिर्च लगने वाली है, क्योंकि तीखी है और मैं तीखा कम खाता हूँ। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ, बड़ी अमी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू दैट, जस्ट वेट। तो जिस चीज़ के बारे में मैंने बात की थी वो ये है, कुकीज़ सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। ये नारियल की बनी है, 15 रुपीज़ का एक पीस आता है ये, बट ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस। आपको मिर्च लगेगी तो प्लीज़ इसको लेके जाना यहाँ से, कृष्णा बेकर्स है। दिस इज़ अमेजिंग एंड वेरी वेरी टेस्टी कुकीज़। इतना डिलीशियस, इतना डेलिकेट है, हल्का हल्का मीठा है, आपके टेस्ट बड्स खो देगा सारे, मज़ा आएगा खा के इसको, मस्ट ट्राई करना है इसको। नारियल वाला बिस्किट है, टू गुड। तो शिमला में धूम्रपान करना जुर्म है, 200 रुपये का फाइन लगेगा आपको, ये धूम्रपान मुक्त शहर है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे यहाँ सिगरेट कहाँ पी सकते हैं, तो आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पी सकते, जंगल में पीजिए, गाड़ी में पीजिए, अपने होटल में जो आपकी लॉबी है जहाँ पे आपको स्मोकिंग जोन है वहाँ पीजिए। अब आपको एक व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे आया हूँ, यहाँ से पूरा शिमला दिखता है, इवन आपको जो नीचे कार्ट रोड है जहाँ से मैं आया हूँ लिफ्ट वो दिखेगा। और यह जश्न, ये एक ओपन टेरेस रेस्टोरेंट है, इनका नीचे भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी आप चाहें तो खा सकते हैं। इन केस अगर आपको डोमिनोज में पिज़्ज़ा नहीं खाना है तो वो लापिनोज पिज़्ज़ा है, यहाँ पिज़्ज़ा खा सकते हैं, पिज़्ज़ा अच्छा होता है यहाँ पे। साथ में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ज्ञानामल हेमराज है, यहाँ पे आपको फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की बहुत सारे चिप्स फ्राइज़ और इस तरह की आइटम्स मिल जाएंगी ज्ञानामल हेमराज के पास। ये रिज पे, ये मॉल पे ही है फिलहाल, रिज की तरफ रास्ता जा रहा है, ये मॉल पे ही है। अब आ चुका है एक स्टेशन जहाँ पे मेरू हलवाईज और बड़ी टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। मेरू हलवाई यहाँ का शिमला का काफ़ी फेमस स्वीट शॉप है, इनकी लोडजार में भी एक शॉप है, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होती है इनकी, रसमलाई गुलाब जामुन एंड ऑल स्टफ़। बट मैं जा रहा हूँ त्रिशूल बेकर्स जहाँ पे आपको बर्गर्स पैटीज पेस्ट्री मोमो रोल्स कुकीज़ सब मिलेगा जो कि यमी होते हैं। तो आज हम कुछ स्पेशल ट्राई करने वाले हैं जो यहाँ पे मोस्टली लोग यहाँ क्यों आते हैं। त्रिशूल बेकर्स मैंने कहा था हेरिटेज है ये, क्योंकि इट्स बिन रनिंग सिंस 1959, सोच लो कब से। तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो आते हैं वो बेकरी बिस्किट्स के लिए, मोमोज के लिए और इनकी पेस्ट्रीज के लिए आते हैं। तो हम आज वैसा ही कुछ ट्राई करेंगे। अंकल कोई बेस्ट वाली पेस्ट्री बताओ, ये बेस्टेस्ट वाली कोई एक। ये खा लो, एक जापनीज है, स्पूनी है, एक जापनीज, एक जापनीज बहुत ही बेस्ट पेस्ट्री, ये चम्मच से नहीं खाई जाएगी, वैसे बाइट करना बहुत अच्छी है। एक जापनीज है और एक स्पूनी है। अच्छा ये स्पूनी है, ये डिलीशियस लग रही है। सो गाइस आई एम एट त्रिशूल बेकर्स और मैंने दो चीज़ें ली हैं, एक तो ये जापनीज और दूसरा है स्पूनी। तो मैं आपको खा के बता देता हूँ कैसा है, श्योर ही मीठा होने वाला है, बट कैसा होगा खा के बताता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ वेरी क्रीमी, अगर आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बट मीठा पसंद है तो बाद में पीनट्स हैं, बिस्किट का क्रंच है, अंदर क्रीम डाली हुई है। मुझे ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगा, स्पूनी ये अपनी ज़्यादा अच्छा है, मतलब दो खाओगे अगर आप, भूख मिट जाएगी आपकी।
भी है बहुत ज़्यादा, पर अच्छा है। तो ये उसके ठीक ऑपोजिट साइड में जो सीढ़ियाँ उतर रही है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। एक तरह से चने पूरी वाली गली बोलते हैं, बट आज ये अंकल हैं, इतनी पुरानी एस्टेब्लिश 1937, ये है शर्मा चाट शॉप। यहाँ पे चना पूरी मिलता है बड़ी रीजनेबल रेट में और टेस्टी होता है, और भी इन्हें भीगा हुआ भटूरा भी मिलता है यहाँ का चने का, बट आज ये बंद है अंकल, बाकी सारे खुले हैं फूड वाले, अब ये क्यों बंद है पता नहीं। चलो एनीवेज, कुछ और मीठा खाना है तो वो है यहाँ पे। इनसे मिडिल बाज़ार है, और मिडिल बाज़ार में बिल्कुल मॉल रोड के साथ ही है। अगर आपको एक फैमिली में ठीक सा बजट रेस्टोरेंट चाहिए तो गुप्ता जीज़ है। ये गली देख रहे हो, किसी को भी पूछोगे आप वो पूरी वाली सीढ़ियाँ उतरोगे सीधा डायरेक्टली वहाँ से, ये सीढ़ियाँ और ये गुप्ता जीज़ है। दिस इज़ ऑल्सो, ये है शुद्ध वैष्णव इंडियन चाइनीज़। एक बजट में अगर आपको अच्छा ठीक रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना ठीक चाहिए तो ये है सामने। इनके पास सीटिंग इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ भी आप खा सकते हैं। फूड में सच में मेरी हिम्मत नहीं है, मैं खा लेता वरना, बट फूड ठीक होता है इनका, ठीक है। यहाँ मिलते हैं गाइस शक्कर पारे, पता नहीं हमने खाए हैं कि नहीं खाए हैं, बट यहाँ के शक्कर पारे बड़े डिलीशियस होते हैं, गुड़ वाले और बहुत मीठे होते हैं, बहुत डिलीशियस। वाली गली है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। व्हेन आई वाज अ किड, मतलब मैं स्कूल में था जब, तो वो बंक मार के अंकल के पास आया, यहाँ पे ना परांठे खाया करता था इधर इस शॉप में, बहुत खाया मैंने यहाँ पे परांठे। तो ये कुछ और ढाबे आ गए, ये सारे इसको मिडिल बाज़ार बोलते हैं। मिडिल बाज़ार में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, तो उसमें ये भी है सचिन ड्रैगन्स विला, न्यू सिंह तंदूर, शिमला शेरे पंजाब ढाबा, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्या मिलता है शेरे पंजाब ढाबों में, स्पेशल थाली, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, चिकन करी, तवा चिकन, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये मिडिल बाज़ार है, अभी पैक है अंदर सबके पास रश पड़ा हुआ है, टूरिस्ट टाइम भी आजकल यहाँ पे। तो ये मिडिल बाज़ार वाली गली है, यही रोड आपको नीचे लोअर बाज़ार कनेक्ट करता है, ये वाला जो शिमला का नीचे बाज़ार है जहाँ से लोकली मोस्ट लाइट्स लोकल पीपल शॉपिंग करते हैं, और ये मिडिल बाज़ार का एरिया सारा। रुके फूड वॉक कर रहा है पर खा नहीं रहा यार, मैं कितना खाऊंगा, एक नन्ही सी जान, मैं खुद इतना खाना नहीं खाता हूँ, बट मैं आपको एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ, ठीक है। आई टेक यू समवेयर, द प्लेस इज रियली गुड। तो गाइस जो ठीक मैंने अभी आपको हिमाचल की रसोई दिखाई है, ये मैं आपको इंडिविजुअल व्लॉग में दिखाऊंगा कि इस रसोई में बनता क्या है। इस व्लॉग में नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर इंडिविजुअल व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे हिमाचल की शान है, यहाँ का फूड। अब ऊपर चलते हैं, मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। चाइनीज़, ये जो डिमसम है यहाँ पे चाइनीज़ अच्छा बनता है, डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ आप अपने शहर में पिज़्ज़ा खाते रहते हो, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल खाओ, और वो बताऊँगा वो स्पेशल क्या है ठीक अगले व्लॉग में। आपको मज़ा आने वाला है उस जगह का, अमेजिंग हिमाचली फूड है वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुत सारे लोगों के सवाल की, लोग पूछते हैं मुझसे कि अक्सर कि हम अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। अरे बिल्कुल आ सकते हो, बर्फ़ में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी तो सर्वाइव करते हैं। आपको करना इतना होता है सर प्रोटेक्शन के लिए, आप अपने अच्छे कपड़े लेके आओ, वार्मर्स लेके आओ अपने लिए भी, ताकि बीमार ना पड़ो, बर्फ़ के लिए प्रॉपर अच्छे शूज़ लेके आओ, और बर्फ़ में चलने के लिए स्टिक पकड़ो ताकि आप उसमें फिसले ना। और अगर बच्चा गोद में है, कोशिश करो जब बर्फ़ है और बच्चा अगर ज़्यादा छोटा नहीं है तो उसे पैदल चलाओ, उसे गोद में ना पकड़ो, क्योंकि गिरोगे तो फिर अच्छे से लगेगी। तो वो ठीक सामने दिख रहा है आपको बजरंगबली जी का जाखू टेंपल, बहुत सुंदर है। अभी रिसेंटली बजरंगबली जी की मूर्ति पेंट हुई है, और भी शानदार हो गई, उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह प्रॉपर पेंट किए। तो बर्फ़ में आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि शिमला आने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, देखिए अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं वेल एंड गुड, अगर गाड़ी में नहीं आ रहे हैं तो फ्लाइट में आ सकते हैं, वरना वॉल्वो दिल्ली से अमेजिंग जर्नी आपको कम्फर्ट देगी, या फिर आप ट्रेन में आ सकते हैं। ट्रेन में कैसे, दिल्ली से आप शताब्दी एक्सप्रेस चेयर कार पकड़िए कालका तक, कालका से टॉय ट्रेन पकड़िए शिमला तक। टॉय ट्रेन्स अभी नहीं चली है, एक और सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ, टॉय ट्रेन्स अभी नहीं चली है शिमला में। तो आप वॉल्वो में आ सकते हैं, वॉल्वो अभी इंटरस्टेट इंटरसिटी जो इंटरस्टेट है वो नहीं चली है, बट वॉल्वो इज़ वेरी सेफ। लोग ये पूछते हैं मुझसे कि वॉल्वो में आना सेफ रहेगा, तो मैं आपको बता दूं वॉल्वो में आना सेफ रहेगा बिल्कुल। ये देखिए शानदार व्यू, क्योंकि वॉल्वो जहां SPT तक आती है वहां पे बर्फ़ पड़ती नहीं है, शिमला उसके अंदर सिटी में बर्फ़ पड़ती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये देखिए राउंड व्यू, 360 डिग्री, बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी सारा टूरिस्ट आया हुआ है आजकल, सेफ है आना, बस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखिएगा, हैंड सैनिटाइज करिएगा खाने से पहले, सैनिटाइज़र पास में रखिएगा। शिमला बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, रीसेंट मौसम है, अभी
जो है अक्टूबर मंथ का, तो देख लीजिए बहुत सारे लोग पूछे तो अक्टूबर में बर्फ तो नहीं पड़ रही है। भाई बिल्कुल बर्फ नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। जैन मिड के बाद शिमला में बर्फ पड़ती है, अभी बर्फ के कोई आसार नहीं है। थोड़ी सी फीडबैक, आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।